हाँ भाई, इक्वेशन निकालते हैं एच कॉमा के, क्या होगा यही वाला केस लगाएं, पी एफ वन इक्वल टू होता है ई टाइम्स ऑफ पी एन वन एम वन, है ना। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों पॉइंट बताएं, अंडर रूट ऑफ लोकस निकालना, मतलब हमें एच कॉमा के का रिलेशन निकालना है, एच की जगह बाद में एक्स रख देंगे और वाई, के की जगह वाई। एच कॉमा के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हाइपरबोला के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, क्या हो जाएगा, एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ, अब किसी पॉइंट की किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, था मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल। तो पॉइंट रखें, एच रखा हमने तो ये हो गया ई एच, और वाई रख ही नहीं पाएंगे, के रखने के लिए वाई नहीं है, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसका कोफिशियंट एक्स का कोफिशियंट ई स्क्वायर, और वाई है नहीं तो उसका कोफिशियंट जीरो, तो रूट ऑफ ई स्क्वायर हो गया ई, ई से ई कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसको ओपन कर देते हैं, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एच प्लस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, रूट हटा, इधर स्क्वायर है, इसको भी ओपन कर दो, माइनस टू ए ई एच हट गया, ऐसे का ऐसा एलिप्स में किया था, सेम टू सेम चलेगा, पूरा सेम टू सेम, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो वही आए थे, बस शेप ही तो अलग है, ठीक है। अरे यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स पहले मिल रही है, क्यों, क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो a बाई ई क्या हो गया, छोटा हो गया, इसलिए पहले मिल रहा है, इसमें e की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वैल्यू कहाँ, दूर मिल रही है, उल्टा हो गया, एलिप्स में उल्टा हो रहा था, एलिप्स में a बाई ई से e की वैल्यू 1 से छोटी थी तो a बाई ई बड़ा हो रहा था, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स दूर मिल रही थी। अब h वाले टर्म को एक साथ ले लो, इसको उधर ले आते हैं, तो 1 माइनस ई स्क्वायर एच स्क्वायर, के स्क्वायर एक ही है, और कॉन्स्टेंट टर्म जो है ये है, और बच्चों ये है, इसको एक तरफ ले लिया, तो दिख रहा है सबको ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों से, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर का ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर का तीनों में डिवाइड कर दिया, और इसका फोटो मत लेना, इसको लिखना पड़ेगा बाद में, ठीक है, हाँ इतना भी नहीं, ये गया इससे, h और k की जगह x और y रखा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, इलिप्स में ऐसे ही आया था। अब इलिप्स में e की वैल्यू जो थी वो 1 से छोटी थी, हमने इसको बी स्क्वायर बोला था, सुनना है ध्यान से, हमने इसको क्या बोला था, बी स्क्वायर बोला था, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ई 1 से छोटा था तो 1 माइनस ई स्क्वायर भी पॉजिटिव था, तो इस पूरे को हमने बी स्क्वायर बोल दिया था, तो उससे हमें रिलेशन मिला था कि बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ई की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्वांटिटी निगेटिव है, तो पहले से पॉजिटिव बनाए, कैसे, माइनस कॉमन निकाल लो, इस वजह से बीच में माइनस आया था, हाइपरबोला में बस, ठीक है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, अब ये 1 से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नाउ दिस इज बी स्क्वायर, सो इट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, ये हाइपरबोला है, और यहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसमें एक बात और जानने की है कि इसमें मेजर और माइनर एक्सिस नहीं होता, क्यों नहीं होता, एक काम करते हैं अपन, ई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ रही है, ई स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ई इक्वल टू आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का रूट। इलिप्स में क्या होता था, इलिप्स ऐसा बनता था अगर, तो उसमें ई आता था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अब इसमें क्या होता था, ए बड़ा होता था बी से, बोलना पड़ता था, क्यों, क्योंकि अगर b बड़ा होगा a से तो क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी रूट की, रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव हो जाती, तो उसमें बोलना पड़ता था कि भाई a बड़ा है b से, यहां पे कोई जरूरत ही नहीं है, भाई a बड़ा हो b से या b बड़ा हो a से, अंदर क्वांटिटी क्या रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी, अरे फ्रैक्शन होगा ज्यादा ज्यादा तब भी वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, और e 1 से बड़ा मिलना चाहिए, तो यहां पे मेजर और माइनर नहीं होता, ठीक है,
यहाँ पे ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट होता है, उसका रीज़न है, मतलब इलिप्स से ज़्यादा आसान है ये, बस समझाने की चीज़ बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये बन रहा है और इक्वेशन बन रही थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, हम इसे ए कॉमा जीरो बोल रहे थे, इसको जीरो कॉमा बी बोल रहे थे, और इससे डिफाइन कर रहे थे कैसे कि भाई यहाँ पर एक बार एक्स को जीरो रख लेते तो वाई से वो कहाँ पर कट करेगा, तो एक्स को जीरो रखा, ठीक है, तो y की वैल्यू y स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर, अरे x को जीरो का बी स्क्वायर इधर आया तो y कितना आ रहा है, प्लस माइनस b, तो ये है जीरो कॉमा बी और ये है जीरो कॉमा माइनस बी, हम बोल सकते हैं ऐसे ही। ए कॉमा जीरो कैसे आया, y को जीरो रख दो तो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस है, ठीक है। हाइपरबोला में देखो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो पहली बात मैंने आपको ये बता दी कि यहाँ पे a बड़ा हो सकता है b से और b भी बड़ा हो सकता है a से, डायग्राम यही रहेगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि सर ऐसे वाला नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, उसके लिए टेक्निक अलग है, ठीक है, वो मैं समझा रहा हूँ। इसको कहते हैं, इस वाले को बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला, दूसरे वाले को बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, रीज़न क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू एक बार x को जीरो, y को जीरो रखते हैं, y की वैल्यू जीरो रखी, एक्स स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ए, तो पॉइंट आ रहा है ए कॉमा जीरो, ये y की वैल्यू जीरो मतलब x एक्सिस पे, तो दिख रहा है हमें x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो पे, ठीक है। अब मैंने x की जगह जीरो रखा, कितना आया वाई स्क्वायर, कितना आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर, y की वैल्यू ही निकलेगी और हमें दिख भी रहा है ये y से तो कट ही नहीं कर रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा फिर b क्या है, यहाँ पर तो b थी ना, हम बोल सकते थे कि यहाँ पे ये y से तो कट कर रहा है, वो लेंथ b है, तो यहाँ पर b क्या है, तो ये बोला जाता है कॉन्जुगेट का मतलब समझते हो, रूट टू माइनस रूट थ्री का कॉन्जुगेट क्या होगा, टू प्लस रूट थ्री, अगर एक रूट अल्फा अगर टू माइनस रूट थ्री है तो क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट 2 प्लस रूट थ्री होगा, जितने भी इरेशनल रूट होते हैं वो आपस में कॉन्जुगेट के साथ आते हैं अपने, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि एक होने से दूसरा अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, बात समझ आ रही है। तो सिमिलरली हाइपरबोला में ऐसा वाला जो हाइपरबोला होता है उसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं, उसकी वर्टेक्स जो होंगी वो क्या होंगी, जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस बी, जैसे इसकी वर्टेक्स ये थी, ठीक है। तो ऐसा बोला आपसे पूछा जाएगा कि इसमें b क्या है, तो हम ये बोलते हैं कि b वर्टेक्स है उस हाइपरबोला की जो प्रोड्यूस हो रहा है जब हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस जब ये इसको बनाया जाता है तो अपने आप यहां पर दो पॉइंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि तैयार बैठे हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसका एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी अपने आप क्रिएट हो रहा है, समझ पा रहे हैं। जैसे ही आप इसको बोलते हो, ठीक है, इसको जैसे बोलते हो तो इसके साथ दो पॉइंट अपने आप क्रिएट होते हैं कि जब आप इसको बनाएंगे तो उसके साथ आप ए डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ए क्या है, तो भी यही बोला जाएगा कि ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा माइनस ए कॉमा जीरो एक और हाइपरबोला को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब आप इसको बना रहे हैं तो एक हाइपरबोला फिर से प्रोड्यूस हो रहा है जो इसका कॉन्जुगेट है। सिमिलरली जब आपने ये वाला हाइपरबोला बनाया है तो दो पॉइंट अपने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं जो एक हाइपरबोला बनाएंगे, हाइपरबोला की वर्टेक्स बनाएंगे जो इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाएगा। तो ये जो है ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि एक के होने से दूसरा अपने आप क्रिएट होता है, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने हाइपरबोला पढ़ लिया है तो इसमें हमने दो केस पढ़े हैं, एक है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरा बनाते, ठीक है, तो दूसरा बनाते तो क्या हो रहा होता उसमें, उसमें ऐसा लेते अपन, बस मैं एक आइडिया के लिए बना रहा हूँ, जीरो कॉमा बी जीरो कॉमा माइनस बी, ठीक है, उसमें ये वाई इक्वल टू जीरो था तो डायरेक्ट्रिक्स आती वाई इक्वल टू बी बाई, अरे ए बाई की जगह बी बाई और y इक्वल टू माइनस बी बाई, फिर अपन यहाँ पे पॉइंट लेते हैं पी पी एफ वन, ये होता है जीरो कॉमा बी ई पी एम वन, और इससे हम चलते तो उसमें क्या हुआ था, उसमें ऐसे यहाँ पे पहुँचे थे, तुम लोगों को याद हो,
माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन ना, यहाँ पे पहुंचे थे। इसमें कहाँ पे पहुंचे? यहाँ पे, क्योंकि x पे a माना था, इसमें y पे b माना है, तो इसमें पहुंचते अपन माइनस वाई स्क्वायर बाय, सॉरी मतलब ये प्लस था और ये वन, यहाँ पे पहुंचे थे, उसके बाद हमने माइनस कॉमन निकाला था। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें पहुंचते प्लस, ये बी स्क्वायर होता, वाई पे बी पता हुआ है, और ये बी के टर्म में होता क्या, बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर मानने के लिए हमें फिर माइनस बाहर निकालना पड़ता, तो ये बनता माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन। फिर मैं क्या मान लेता, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर मान लेता। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं, बस कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में किसका अंतर होता है? लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि कैसा बनाना है, ये वाला बनाना है या ये वाला बनाना है? कैसे पता लगेगा? राइट हैंड साइड पे माइनस वन है या वन है उससे पता लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो केस है, ये ऐसा जो बन रहा है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर के बारे में बात होगी, फोकस के बारे में बात होगी, डायरेक्ट्रिक्स है, मेजर एक्सिस नहीं है, क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, मतलब जिसे अपन कभी मेजर एक्सिस बोलते थे वो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है, जिसे अपन माइनर बोलते थे उसे कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, ए बी ई में रिलेशन आएगा, और फिर वही क्या LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। सेंटर दोनों का क्या है, 0,0 है, इसका फोकस AE,0, वो एलिप्स का है वही रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, इसमें प्लस माइनस लगा देता हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है 2a, दिस इज A,0 एंड माइनस A,0, ये 2a है, और कौन सा है, ये x एक्सिस है, y इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट एक्सिस इसमें कौन सा है, y एक्सिस, लेंथ होगी 2b, इट इज 0,b एंड 0,-b, इट इज y एक्सिस, x इक्वल टू 0। ए बी में रिलेशन देखा हमने, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन होता है, या फिर आप रिलेशन लिख सकते हैं ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ एल आर बिल्कुल सेम होगी, एल आर कहाँ होगा, यहाँ पर, यहाँ पर होता है, एल आर क्या होता था कुछ याद है, लेट अस रेक्टम एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती थी वो एल आर होती थी। तो यहाँ पर ये ए ई है तो ये भी ए ई होगा, और ये ए ई एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे उससे वाई की वैल्यू आएगी, दैट इज बी स्क्वायर बाय ए। तो यही कोऑर्डिनेट किसमें होता था, एलिप्स में। तो इसमें अच्छी बात ये है कि एलिप्स अगर याद है तो हाइपरबोला की मेजोरिटी ऑफ कंसेप्ट याद रहते हैं। तो एल एल आर होता है 2b स्क्वायर बाय ए, ये लेंथ, ये बी स्क्वायर बाय ए एंड दैट इज ऑल्सो बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, क्योंकि चारों कोऑर्डिनेट आएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है। अगर अपन इसके इधर के लिख दें तो इधर सेंटर वही रहेगा 0,0, ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी ई, वो लिखा हुआ है वैसे उसमें, और ये हो जाएगी y इक्वल टू प्लस माइनस b बाय ई, लेंथ होगी 2b, ट्रांसवर्स एक्सिस इसमें y एक्सिस होगा, ठीक है, y एक्सिस x इक्वल टू 0 और इसमें 2a, इट इज x एक्सिस y इक्वल टू 0, रिलेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, b की जगह a की जगह b, तो इट इज़ a स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, और e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एल एल आर होगा a की जगह b, b की जगह a, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी एंड प्लस माइनस बी ई, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई माइनस टू होल स्क्वायर बाय
नाइन इक्वल टू वन, ठीक है, इक्वेशन देगा, पैरामीटर पूछेगा, पैरामीटर देगा, इक्वेशन पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे आता है। तो इसको मैं कैसे बनाता? अच्छा इसको तो बना लो पहले, ये तो पूछ लो, ये तो हो जाएगा ना, ये कैसा बनना होगा? यही वाला फर्स्ट वाला केस है ना, ट्रांसवर्स आइपोला, स्टैंडर्ड आइपोला है, ठीक है। ई निकाल लोगे, रिलेशन है हमारे पास, ई निकल जाएगा तो इलिप्स डायरेक्ट्रिक्स निकल जाएगी, फोकस निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, क्या निकल जाएगा, सेंटर है 0,0, ई निकाल लेते हैं, ई क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 9/4, तो इट इज़ √13/2, ठीक है, और ऐसा बन रहा है। तो ए इंटू ई, ए कितना था, 2, ठीक है, ए स्क्वायर होता है ना, तो ए 2 था और ये ई ए है, तो 2 इंटू √13/2, तो √13, तो फोकस आ गई, फोकस कितनी हो गई, प्लस माइनस √13, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस ए बाई ई, ए है 2 और ई यह है √13/2, बस आपको ई निकालने की ज़रूरत है, ए और बी तो दिया ही होता है, और क्या एल एल आर होता है ज़्यादा निकालने का, तो एल एल आर कितना आ रहा है, 2b², बी स्क्वायर इज 9 बाय ए, इज 2, सो आंसर इज 9, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ गया तो अब सेंटर 0,0 नहीं है, अब सेंटर क्या है, 1,2 है, ठीक है, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और y माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें बनाना पड़ेगा, और ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोऑर्डिनेट शिफ्ट करे जाते हैं तो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, लेंथ चेंज नहीं होती, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने प्रूफ कर रहा हूँ, ये अपन ने ऐसा कर दिया, ये 1 हो गया और ये यहाँ पे 2, ये होगा 1,2, अब ये सेंटर है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन तो वैसे ही है ना, इक्वल टू 1 तो माइनस 1 नहीं है, 1 है, तो ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। अब निकालते हैं वर्टेक्स, कैसे निकालें, ये कौन सी लाइन है, ये 0 से पास होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है यहाँ पर, ये वाई इक्वल टू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है तो x इक्वल टू 0 होती है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो ये पहला लाइन x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन में y की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, तो वर्टेक्स में y की वैल्यू 2 हो गई। अब x की वैल्यू कैसे निकालें, तो ये लेंथ कितनी होती है, a, अरे वर्टेक्स कितनी होती है, a, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, a कितनी है, a की वैल्यू है 2, 4 नहीं है, 2, a स्क्वायर लिखा ये, ठीक है, a की वैल्यू है 2, तो 1 में x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 में 2 ऐड कर दे, तो इट इज 3, तो वर्टेक्स हो गया 3। इधर वाला वर्टेक्स बताओ, y की वैल्यू इसमें भी अभी क्या है, 2 है, ये 1 थी, 1 में 2 माइनस करेंगे, सो इट इज -1, ठीक है। देन फोकस निकालते हैं, फोकस कैसे निकलेगा, फोकस लेंथ वही होगी ए, यहां से डिस्टेंस होगी ए, y की वैल्यू 2 ही रहेगी क्योंकि सेम हाइट पे चल रहे हैं ना, y की वैल्यू 2 ही है, तो ये डिस्टेंस ए ही निकालो, ए इंटू ई, ई अभी निकाला, अरे ये दोनों सेम है, ए और ई किससे निकलता है, ए और बी से, और ए और बी दोनों का सेम है, तो ए ए कितना था 2 और ई कितना था √13/2, सो इट इज़ √13, तो 1 में √13 ऐड करेंगे तो 1 प्लस √13 और 1 माइनस √13, ठीक है। LLR कितना होगा, सेम ही होगा क्योंकि LLR कोऑर्डिनेट से ही निकल रहा, वो किससे निकल रहा है, ए और बी से, और कोऑर्डिनेट लेंथ चेंज नहीं होती बच्चों, कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, कुछ एक दो क्वेश्चन बना लो, ये हटा दूँ, ये हो गया, हाँ जी बनाए, एक दो क्वेश्चन बनाए, फाइंड सेंटर फोकस डायरेक्ट्रिक्स एल आर ऑफ कौन, याद कर रहा किसका आ रहा,
बना है, ई निकाला अंडर रूट ऑफ 1 + 9/16, इट इज 5/4, ए इंटू ई किया 4 × 5/4, इट इज 5, और ए बाय ई कर लिया, सो इट इज 4/5/4, सो इट इज 16/5। बस अब ज़्यादा कुछ करने का नहीं रहा, हमने तुरंत सेंटर लिया -1 और 2। ऐसा कुछ चल रहा होगा, ठीक है, तो सेंटर है -1, 2, तो वर्टेक्स अगर हम निकालें तो वर्टेक्स ये है ए, ए 4 इधर गए तो माइनस 4 इधर गए हैं तो -5, 2, फोकस एफ 1, ए ई, ए ई है 5, 5 इधर गए तो 4, 2, ओ सॉरी ये इधर गए ना, ऐड किया 4 तो 3, 2, इधर वाली वर्टेक्स जो होगी उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, 2, और फोकस एफ 2 जो होगा उसमें हम 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो -1 में 5 सब्ट्रैक्ट तो -6, 2। अब डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इक्वल टू ए बाई ई, मतलब 16/, तो अपन यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे हैं, -1 पे है, -1 से ऐड करो कितना 16, -1 में 16/5 ऐड होगा तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा, इट इज 9/5 ना, है ओ सॉरी सर मैं क्या कर रहा हूँ, 11/5, और दूसरा जो होगा इधर कहीं बन रहा होगा, इट इज़ एक्स इक्वल टू माइनस, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -11, ये थोड़ा डायग्राम गड़बड़ है, फिर 11/5 जो है सेंटर ओरिजिन यहाँ पे था, इससे इधर होगा, ठीक है, थोड़ा सा -16/5 है ना, ठीक है, समझ में आया इसी बात पे, निकाल डालो जल्दी से बनाओ सेकंड नंबर। अच्छा -16 था क्या, -21 होगा फिर, है ना, ठीक है, हाँ सेकंड ना बैठा नहीं, ट्रांसवर्स एक्सेस कौन सा होगा या मेजर एक्सेस जिसे अपन बोलते थे इलिप्स में, एक्स एक्सेस होगा बिल्कुल, सेंटर दिया है 1, 0, फोकस दी हुई है 6, 0, मतलब ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कुछ इस तरह का बन रहा होगा, ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है 2a, इसमें 2a होती है ना, ऐसा बनता है, तो 2a कितना दिया है, 6 दिया है। अब आप दिमाग लगाओ, हमें क्या चाहिए होगा, इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, सेंटर हमारे पास है, हमारे पास ए है, हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, बी किससे मिलता है, ए बी के रिलेशन से, तो उसके लिए हमें ई चाहिए, तो ई निकालना है, ई निकालो आंसर आएगा, कैसे निकालेंगे ई, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस कितनी होती है ए ई, ये कितना है 5, तो ए ई जो है वो 5 है, ए पता है उससे ई निकल जाएगा, फिर बी स्क्वायर से निकाल लें, बी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो ठीक है, ए आ गया है 3 तो ये 9 हो गया, अब बी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू था ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे जल्दी निकल जाएगा, हो रहा है ए होल स्क्वायर इज 25 और माइनस ए स्क्वायर इज 9, सो इट इज 16, तो बी स्क्वायर हो गया 16।